हेलो एवरीवन, वेलकम टू iqbox डेली करंट अफेयर्स। आज है 8 जून और हम 8 जून से बनने वाले करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो का PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अब तक के सारे PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए डेली न्यूज अपडेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी वैश्विक समानता सूचकांक में भारत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला देश जो शीर्ष पर रहा है वो है डेनमार्क, ऑप्शन सी इसका सही होगा। डेनमार्क अभी टॉप पर रहा है। अब डेनमार्क टॉप पर रहा है तो मैप में देखिए, डेनमार्क ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये डेनमार्क है, जर्मनी के जस्ट ऊपर और नॉर्वे स्वीडन के नीचे, बीच में जो स्थिति है ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है मैप में, ये डेनमार्क है। यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ के मोनार्क हैं मार्गेथे। करेंसी है यहाँ की डेनिस क्रोने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी धीरू भाई नारायण भाई पटेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अच्छा, क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं क्या कि अभी धीरू भाई नारायण भाई पटेल दिल्ली से पहले किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे, किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, कमेंट में लिख के बताइए। देखिए, आप जितना लिखेंगे, जितना कमेंट करेंगे, जितना एक्टिवली सुनेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी, ज़्यादा देर दिनों तक आप उसको रिटेन कर पाएंगे। अदरवाइज़ होता क्या है कि यदि हम सिर्फ सुन रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वो दिमाग से चला जाता है, लेकिन यदि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इस वीडियो में, इन सेशंस में, तो उससे क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी। ठीक है, अगला आपको धीरू भाई नारायण भाई पटेल देख लीजिए एक बार इमेज। कई बार इमेज भी हमारे दिमाग में एक जो है अपनी पोजीशन बना लेती है और ज़्यादा दिन तक याद करने में हमें हेल्प करती है। तो ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं, अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में हैं। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इस समय पर दिल्ली के, क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं? पार्टिसिपेट कीजिए, कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया की सबसे अमीर महिला संगीतकार किसे घोषित किया है? तो अभी फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा दुनिया की सबसे अमीर महिला संगीतकार घोषित किया गया है रिहाना नेत को, ऑप्शन बी इसका सही होगा। रिहाना, ये इनकी जो है साल भर की इनकम है $600 मिलियन। तो ये टॉप पर हैं अभी, दुनिया की सबसे अमीर महिला संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 7 जून को। ये पहली बार है जब ये दिवस मनाया जा रहा है। दिसंबर 2008 में यूनाइटेड नेशन ने इसका प्रस्ताव पारित किया था, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है, और जब कोई चीज़ पहली बार मनाई जाती है तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम क्या थी इसकी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और मनाया कब गया ये? 7 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 का फीफा महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो महिलाओं का फीफा विश्व कप शुरू हुआ है फ्रांस में, ऑप्शन सी इसका सही होगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे? जी हाँ, 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इस समय पर कौन है? कमेंट में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर जॉन रेबनेक का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये एक संगीतकार थे, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, जब कोई बड़ी शख्सियत का निधन होता है तो वो किसी न किसी एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो डॉक्टर जॉन रेबनेक जो है 6 बार ग्रेमी अवार्ड विनर थे,
जी हाँ, इनको 6 बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजा जा चुका था। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है जापान में। ऑप्शन डी इसका सही होगा, जापान। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री कर लीजिए इसको, यहाँ पे एक करेक्शन है, ये विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर हमारे अभी नवनिर्वाचित विदेश मंत्री हैं, इसको सही कर लीजिए, करेक्शन है यहाँ पे विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये जो है अभी भूटान की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा, भूटान। अच्छा, वित्त मंत्री कौन है हमारी? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, और ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले ये भारत की पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री रही हैं, और अब ये पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। और एस जयशंकर कौन है हमारे? विदेश मंत्री हैं। इससे पहले ये भारत के विदेश सचिव थे, और रिटायरमेंट के बाद अब ये भारत के विदेश मंत्री हो गए हैं। ठीक है, तो और ये अभी भूटान की यात्रा पर गए हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच गरुण अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो अभी भारत और फ्रांस के बीच में गरुण अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा, भारत और फ्रांस के बीच में गरुण अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट टू एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला प्रोजेक्ट कौन बना है? तो अभी DMRC जो है वेस्ट से ऊर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है। दिल्ली में ये प्लांट 12 मेगावाट का जो है कि स्थापित किया जाएगा, और इसमें से 2 मेगावाट की एनर्जी DMRC लेगा। इस तरह से DMRC जो है कि वेस्ट से एनर्जी को यूज करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बन चुका है। ये थे आज के करंट अफेयर्स, कल फिर कुछ नए टॉपिक्स और क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।